जावर क्षेत्र में शांति व सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाने को लेकर थाना परिसर जावर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार सुमन बाथम ने की, वहीं संचालन थाना प्रभारी रामनारायण मालवे द्वारा किया गया। बैठक में क्षेत्र के मुहर्रम समितियों के अध्यक्ष, सचिव व दोनों समुदाय के लोग सहित जनप्रतिनिधि समाज से भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष आपसी भाईचारे के साथ शांति के साथ हर त्योहार को मनाने का काम कर रहे हैं और उसी के उद्देश्य से इस साल भी हम लोग मुहर्रम का त्योहार मनाएंगे। वहीं तहसीलदार सुमन बाथम ने कहा कि कोई भी उपद्रवी मुहर्रम में हस्तक्षेप करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर त्वरित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं मुहर्रम के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने एवं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर मुहर्रम कमेटी, जनप्रतिनिधि, पुलिस स्टाफ सहित पत्रकारगण मौजूद रहे। जावर से संवाददाता कुमार सिंह आंवले की रिपोर्ट। आज पुलिस परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है, क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय नहीं, शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें तहसीलदार मैडम भी धर्मा नागरिक दोनों समाज पर थी। आने वाले त्यौहार ताजिया निकलने का, सवारी निकलने के संबंध में चर्चा हुई है। उनकी किसी प्रकार से रूप की कोई अव्यवस्था होती है या कोई सुधार की जरूरत है उस समय चर्चा की गई थी। बाकी और शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने के संबंध में सभी को समझाई थी। बैठक में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हुए थे यहाँ पर? बैठक में एक तो मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष के साथ उनके पूरे सदस्य थे, नगर परिषद के पार्षद लोग थे, नगर परिषद अध्यक्ष की ओर से उनके प्रतिनिधि थे, तहसीलदार मैडम थी और भी कुछ गणमान्य नागरिक हैं दोनों पद के, हिंदू मुस्लिम समुदाय।